ये देखिए दोस्तों, बछड़ा दूध पी रहा है। मैं जा रहा हूँ घर को। 4 महीने ही है। ईवार चारी ऊपर छत पे है, डॉली हमारी यहाँ है। तो रात को हम पहले पालमपुर में गए, वहाँ पे ईवा का एक्सरे हुआ करीब रात को 9:30 बजे। तो उस टाइम मशीनें बंद हो जाती हैं, लेकिन वहाँ पे मेरा दोस्त था जानने वाला डॉक्टर, तो इसलिए फिर उस समय भी हो गया एक्सरे। बहुत दिक्कत हुई दोस्तों एक्सरे में। पहले डॉग को उल्टा लिटाना पड़ता है, चारों टांगे ऊपर को, फिर अगली टांगे पकड़नी पड़ती हैं और लोग बुलाने पड़े, तब जाके एक्सरे हुआ। उसके बाद वहाँ पे खाना खाया हमने कॉलेज में ही, फिर वहाँ से निकले तो रात को 2:45 बजे यहाँ पहुँचे। मुझे डर था कि आपस में लड़ेंगी, लेकिन आपस में नहीं लड़ी। हरिओम दोस्तों, तो आज मैं घर पहुंच गया हूं। 10 तारीख को मेरा प्लान था आने का। देखिए चेरी कहां घूम रही है, अभी अंदर थी। जब भी इनका मन करता है दोस्तों, हमारे दरवाजे जिस टाइप के हैं, हम कुंडी नहीं लगाते, तो ये अपनी मर्ज़ी से घूमने चली जाती है, अपनी मर्ज़ी से आ जाती हैं, हम इनको अंदर कर देते हैं। अंदर भी फ़ैन लगे हुए हैं, जहाँ मर्जी बेड पर बैठना है बेड पर सोती हैं, सोफे पर सोती हैं, जब मन करता है। हमारा ऐसा नहीं कि टाइम टू टाइम घुमाते हैं, जब इनका मन करता है तब चले जाती है घूमने। तो देखिए अभी अंदर ही थी, तो मैं नीचे से आया दरवाज़ा बंद करके, तो डॉली चिल्ला रही है। और अभी देख लेते हैं खाने में क्या क्या है। ये चावल हैं, रोंगी, और ये घिया है, घिया। सबसे पहले मैं फ्रिज चेक करता हूँ दोस्तों, खाने की चीज़ तो फ्रिज में ही होती है असली। यहाँ पे थोड़े खीरे हैं, ये हम खाते नहीं, मेरी सिस्टर के फेवरेट है दोस्तों करेले, कच्चे करेले खा जाती है वो, जिनकी शादी हो रही है अभी 14 तारीख को, इस महीने शादी है, आज तो 7 तारीख होगी। तो इसमें देख लेते हैं क्या है। यह है बिलपत्ती शिवजी भगवान को चढ़ाने के लिए, और इसमें है ये मिठाई, मैं ज़्यादा खाता नहीं हूँ, मैंगो में दही मक्खन ऐसा होगा। और भी देख लेते हैं, ये बिस्किट वगैरह हैं, और यही है नमकीन, ये चीज़ें ज़रूरी हैं। और देखिए कहाँ बैठ गई चेरू छाँव में। तो अभी खाना खा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे, चलो नीचे। और ये देखिए दोस्तों महारानी कहाँ बैठी है, पंखा बंद कर देते हैं नहीं तो आवाज़ नहीं आती। इबू चल, चलो नीचे, चलो 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 नीचे। मैंने एक बात नोटिस की दोस्तों, जब मैं यहाँ पे था डॉली इतनी चमकी हुई नहीं थी, इसको नहाए हुए काफ़ी दिन हो गए, पूछा मैंने, फिर भी ऐसे चमक रही है, इतना शाइन कर रहा है इसका कलर। मैं डेली इन दोनों को लेके जाता था खड की तरफ, आप ऐसा समझ लो कि जैसे 4x4 गाड़ियाँ होती है, उनकी हालत होती है ऑफ रोडिंग में, वैसी थी इनकी पहले। अब सिंपल लेन इलाकों में जैसी गाड़ियाँ चलती है, बिल्कुल साफ सुथरी रहती हैं, वैसी हैं अभी ये। अब ये घर में रहती है क्योंकि, है ना, है ना।
और दोस्तों हम डॉली को अब खुला नहीं छोड़ते बाहर, क्योंकि इसलिए नहीं छोड़ते कि ये नस्ल की है, लोग इसको चोरी कर सकते हैं आराम से। पहले तो आप हमारी वीडियोस देखते थे पुरानी, दोनों ये दूर दूर तक चली जाती थी, क्योंकि मैं सोचता था यार इनकी भी अपनी लाइफ है। अब मैंने नोटिस किया है कि देखिए चेरी तो मेरे से पहचान ही नहीं गई दोस्तों, इसके सारे बाल झड़ गए हैं। तीनों फीमेल्स हैं, तीनों डबल कोटेड हैं। और ये देखिए ईवा दोस्तों चेरी के बराबर हो गई है, वेट में तो चेरी से ज़्यादा ही होगी, अभी सिर्फ 4 महीने की है। हेड भी इससे बड़ा है चेरी से, कोट भी, लेग्स भी, पूंछ भी, सब कुछ है ना ईवा, गुड गर्ल है ना आप, गुड गर्ल गुड गर्ल गुड गर्ल गुड गर्ल नो। अभी मैं इनको खेलने नहीं दे रहा हूँ, सुबह दोस्तों इतना गदर मचाया था इन तीनों ने, टोजो भी था, माइकल भी था नीचे आंगन में। चेरी का बहुत मन है इससे खेलने का, इसका भी बहुत मन है, सुबह से खेल रही थी, मैंने मना कर दिया। चेरी मेरी दोस्तों बहुत सारी बातें मानती है और इसको बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे अभी मैंने ऊपर थी बैठी हुई, बोला चलो नीचे, एकदम से उठ के चली गई। अब दोस्तों बरसात में घास बड़ा बड़ा हो गया है, इनके तो मजे हैं देखो। चलो डॉली, डॉली को दिख ही नहीं दोस्तों ये, पहले डॉली उधर देख रही है, ये देखिए ईवा, चल चलो, नो नो डॉली, चेरी इधर से देख रही है, डॉली इधर से। अब आया है भालू दौड़ के, अभी दोस्तों डॉली जा रही थी ऐसे ऐसे घास में चल के और एकदम से नीचे गिर गई, या डंगा था ना। चलो चलो चारू, चलो चलो चारू, चलो डॉलू, इबू कम, तो ईवा हमारे साथ चल रही है पीछे पीछे, ध्यान रखना पड़ता है यहाँ सांप भी होते हैं। आगे दोस्तों देखिए कितना सारा घास ही घास है, सांप भी होते हैं यहाँ, तो जाने का रिस्क नहीं लेंगे, वापिस चलते हैं। चलो कम, गो होम, चलो।
ऐसा लग रहा है दोस्तों जैसे ट्रैक पे बाइक रेस नहीं होती, पहले एक फिर दूसरी। ये जो बाड़ा है दोस्तों कांटों का, ये रोक लगाई थी जिनके आगे जगह है, तो ये मैंने हटा दी थी, फिर से लगानी पड़ेगी। चलो चलो गो होम चैरी, चलो चैरी तो दोस्तों कहीं से भी आ जाती है। चैरी रुको हटो, ये मैंने रोक लगा दी, लेकिन चैरी तब भी आ जाएगी। चैरी काम, ये देखिए, चलो ये देखिए डॉली चली गई आगे, ये भालू इधर आ रहा है और अब सीन हो सकता है, क्योंकि वहाँ दोस्तों सनोई बैठा है। से और देखिए दोस्तों कलाकारी, मेरी सिस्टर ने नेल पॉलिश लगाया है, अब ये दिखाने नहीं दे रही है। ये देखिए हमारी सुंदरी को, अंग्रेजी लग रही है ये तो। और ये हमारा चेरू, चेरू मेरू, चेरू चेरू से 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 ब्राउन बियर। रात के 1:45 होने वाले हैं दोस्तों, और ईवा हमारी यहाँ पे है। यहाँ पे इसलिए बांधी है क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ, जब ये लाई थी तो ये हाल कर दिया था इसने। डॉली यहाँ है और देखिए शीशे में देख रही है खुद को झांक झांक के। चेरी यहाँ है जहाँ पे मैं सोऊंगा अभी। तो मिलते हैं दोस्तों अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए हरिओम। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लें, और मैं आपको एक और डॉग दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है वो डॉग मिस्टर पग।